हाय गाइस, नमस्कार। मैं सीवी आर्ट और मेरे प्यारे दिलेरे मित्र विनोद आर्या जी, आज इनका विशेष फरमाइश था कि आज हम अपने गांव चलेंगे। तो रास्ते में आ रहे थे तब तक ये कि इनको याद आ गया कि कभी ये गढ़ही जो थी कि यहीं पर आकर हम लोगों का जुहू के तरह से हम लोग आनंद लेते थे। तो उम्र और जवानी होती है भाई, और देखिए वहाँ कितना सुंदर और भव्य रमणीक भी लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही सुंदर, और जो बचपन की यादें जब संलग्न हो जाती है ना तो हृदय गदगद हो जाता है। वैसे तो हर आदमी व्यस्त है, एक शेर मैं अदा कर रहा हूँ कि तुम्हें मिलने की कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें मिलने की कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो है दो सब मित्र से भी चाहेंगे कि आप कहिए भाई। कहने का मतलब है कि देखिए, ये मेरा घर है और घर के बगल में ही ये, अब क्या कहे, भोजपुरी भाषा में गढ़ही ही बोला जाता था। तो इसमें जो है, हम बचपन में अगर 10-12 साल के थे तो इसमें नहाते भी थे, पार भी करते थे और आकर तैरना जानते हैं पूरा। अभी तब तो हमसे भी पाठ तैरना जानते हैं, पार करते थे। और गांव में बदनाम थे कि वो फलाने के लड़के हैं, रोज गोड़ाहिए में भीड़ लगेला, हम तो पार करते थे। हमारे यहाँ तो पोखरा है, उसमें स्पर्धा होती थी जो बचपन के मित्र हैं। हम तो ये भी लुप्त होता जा रहा है और हम लोगों का वीडियो बड़ा हो जाएगा। संक्षिप्त में पुनः आप दोस्तों से विदा लेते हुए आपसे चाह रहे कि हम लोगों से प्यार करते रहिए। दोस्ती की हम लोग मिसाल है, मित्रता को कायम करने के लिए हम लोग बहुत ही संघर्ष करते हैं। वाह वाह वाह, है कि नहीं है? राइट, थोड़ा इधर घुमा दीजिए एक बार, पूरा ले लीजिए। अरे उधर सूर्य का प्रकाश है ना, स्क्रीन जो है। लेकिन आपका जो यहाँ से रास्ता बनता है उधर से हम लोग चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।